रक्सौल आप कैसा लगता है आपको मार्केट मार्केट भैया रक्सौल जो है मार्केट कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। रक्सौल मार्केट में क्या क्या घूमने का मतलब कौन? मैं रक्सौल का वासी हूँ। मेरा रक्सौल जिस तरह है जैसा भी है बढ़िया। मेरा रक्सौल अच्छा है। अच्छा भैया आप स्टैंड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो अभी हम आ गए हैं बनारसी पान दुकान जो रक्सौल में है और यहाँ का बहुत ही फेमस है। सांसद विधायक सब यहाँ पर आके पान खाते हैं। चलते हम भी मीठा पान खाते हैं और पूछते हैं यहाँ के बारे में। वेलकम टू रक्सौल। रक्सौल में आपका स्वागत है। हेलो फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज हम लोग हैं रक्सौल में जो एक व्यापारिक सिटी है ना, ये शहर है रक्सौल शहर है। और चलते हैं अभी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ से दिल्ली के लिए सत्याग्रह एक्सप्रेस 05215 जो गाड़ी है वो खुलती है एकदम टाइमली से। और कोलकाता के लिए मिथिला एक्सप्रेस 03022 यहाँ से खुलती है। कोलकाता और दिल्ली के लिए डायरेक्ट है और बहुत मतलब टाइम पे चलती है और बहुत ही अच्छा सिटी है, व्यापारिक सिटी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शिक्षा संस्थान का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कॉलेज जो सुनने में आया कि एक या दो है बीए का कॉलेज ना, कितना कॉलेज है? दो कॉलेज है। तो बस दो कॉलेज है तो थोड़ा शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। तो अब चलते हैं सिटी घूमने के लिए। ये भाई से पूछते हैं कि उनको रक्सौल कैसा लगता है। रक्सौल आप कैसा लगता है आपको? मार्केट मार्केट घूमे कि नहीं? आगे नहीं घूमे, घूमना चाहिए। क्या करते हैं आप? बस अभी स्टेशन, बस स्टेशन ही देखे हैं। कभी टाइम मिल जाए तो रक्सौल घूमिए। अब ऐसे मेरे चैनल पे आएगा ब्लॉग तो उस पर मैं पूरा रक्सौल घुमाऊँगा। तो आप घूम लीजिएगा, सर्च कीजिएगा चैनल पे तारिक सैफुल्ला नाम हुआ। धन्यवाद भैया। एक मिनट भैया, भैया रक्सौल जो है मार्केट कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। रक्सौल मार्केट में क्या क्या घूमने का मतलब कौन कौन जगह है मार्केट में? मार्केटिंग करने के लिए एम बाजार है। एम बाजार है, जी मार्केट जी है, मोनी है, मोनी है। और यहाँ का सबसे मतलब फेमस कौन सा मार्केट है? बैंक रोड सुने हैं। और वहाँ का जमीन मुंबई के जमीन से तुलना के ऐसा है, बहुत हार्ड मांगा। सुने हैं कि थोड़ा सा जमीन था किसी का, कितना में बेचा था? 27 लाख की 26 लाख में। हाँ बहुत गरीब था वो। अब बाद में कागज वागज देखा तो वो मिला तो उधर का बहुत मतलब रेट है। और ये जो है हमारा घर हुआ चंपारण, पश्चिम चंपारण। तो ये पूर्वी चंपारण में, हाँ पूर्वी चंपारण में आए हैं घूमने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं। तो ये एक व्यापारिक क्षेत्र है तो इस, लेकिन शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर कॉलेज वॉलेज अच्छा अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। तो इसके लिए कॉलेज और स्कूल बनाना चाहिए क्योंकि बीए का यहाँ पर मात्र दो ही कॉलेज है। शिक्षा पे भी थोड़ा ध्यान दे जैसे व्यापार पे ध्यान दिया जा रहा है, बिजनेस पे। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजिंदर है। तो हम जाएं आपके रक्सौल घूमे ना मार्केट? स्वागत होगा ना मेरा? चलिए धन्यवाद। राम राम भैया, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, क्या हाल है? सब ठीक। और सब टाइम पास हो रहा है? लूडो खेल रहे हैं आप लोग? लूडो खेल रहे, बढ़िया। तो हमें कुछ बताइए यहाँ के बारे में। हाँ बोलिए। रक्सौल के बारे में कैसा है, क्या नहीं है, क्या क्या यहाँ सुविधा है, क्या क्या सुविधा नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए भैया, हम आ रहे थे तो एक सुविधा हमको तो दिखा, यहाँ जाम बहुत ज्यादा होता है। जाम जो है इसका प्रॉब्लम हमेशा होता है। और इधर शिक्षा जाम है, ढाला के चलते जाम लगता है, ढाला की वजह से जाम लगता है। और बताइए मतलब ये जगह कैसा है? मतलब जगह का है, जो यहाँ का वासी है उसके लिए बहुत बेटर है। जो यहाँ का वासी होता है उसके लिए उसका शहर बहुत ही अच्छा होता है। चाहे शहर जैसा हो, जिस रूप में हो, उसके लिए उसका शहर, उसका मातृभूमि उसके लिए सर्वोपरि होता है, उसके लिए अच्छा होता है। मैं रक्सौल का वासी हूँ। मेरा रक्सौल जिस तरह है जैसा भी है बढ़िया। मेरा रक्सौल अच्छा है, अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार। रुपेश कुमार भाई, अच्छा यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से कैसा काम हो रहा है? शिक्षा के माध्यम से तो खैर अभी यहाँ कुछ है, बहुत बेकार है। हम जैसा हम सुने हैं सिर्फ यहाँ पर बीए के लिए सिर्फ दो ही कॉलेज है और उस दो कॉलेज में भी कंटिन्यू स्टडी नहीं होता है, ना मास्टर आता है, ना ही पढ़ाई होता है। सिर्फ एग्जाम के दिन कॉलेज खुलता है और बच्चे जाकर सिर्फ एग्जाम देते हैं। तो इस पर शिक्षा मंत्री को रक्सौल पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर रेगुलर क्लास हो। क्या भैया ये सब कौन करेगा? क्या से कहने का मतलब कि रक्सौल सिस्टम में बन गया है, फॉर्म भराना है, एडमिशन लेना है, पैसा लेना है, क्लास क्लास होता नहीं। क्लास क्लास होता तो ये अच्छा होगा कि क्या यहाँ सुनी से यहाँ का नेता जो है, यहाँ जब पहले 20 साल कांग्रेस रहा हो, 10 साल राजद रहा हो, कहा नहीं लोग यहाँ कॉलेज खुलवाया, यहाँ पर कहा नहीं है पार्क बनवाया लोग, कहा नहीं है जी करवाया लोग। और आज नया में सब कुछ ये खोज रहा है लोग, खोज रहा है लोग, कितना दिन पर क्यों नहीं खोजा लोग? आज नाली का हिसाब सोचा है आजकल लोग, गली का हिसाब सोचा है लोग,
कोई थूक फेंक दिया तो उसका हिसाब होता है। लेकिन 70 साल से कितना ही कुरीतियां इस देश में चल रहा था, कोई था माइक का आवाज उठाने वाला? कोई कुछ बोलता था? कोई किसी को जिम्मेवारी देता था? अब तो हर चीज में है कहा तो मोदी कर दिया, आंधी आ गया तो मोदी आंधी ला दिया, कलर ला दिया तो मोदी ला दिया, ट्रेन भी ला दिया तो मोदी वाले, अच्छा अच्छा मोदी ला दिया, अरे साले तो जितने से तुम कहाँ थे? सही बात है। तो ये सब कुछ नहीं, ये सब बामी कामी तामी, ये सब सारे विदेशी फंडल है, ये जनता जनता जान रही है, ये सब दलाल है। एक मुद्दा का हम बात बता रहे हैं, रक्सौल इतना महत्वपूर्ण शहर है लेकिन यहाँ एक ढंग का बस सरकारी बस पड़ाव है, बस पड़ाव नहीं सरकारी हो या प्राइवेट हो, रेलवे रोड हो, मेन रोड हो, कोड़ियार चौक हो, नहर चौक हो, सब जगह पे इधर उधर कोई अपना अपना गाड़ी लगाता है। यहाँ पे ना हवा हवाई का स्टैंड है, ना टेम्पू का स्टैंड है, ना जीप का स्टैंड है, ना बस का स्टैंड है, ना रिक्शा स्टैंड है, मोनोपोली चलाता है, स्टैंड है, कोई रक्सौल में कोई स्टैंड कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ जिसको जहाँ चलाना वहाँ पे कोई अच्छी नहीं है। इसमें थोड़ा सरकार ध्यान दो, जो यहाँ के विधायक और सांसद है वो ध्यान दीजिए, बस स्टैंड बहुत जरूरी है, और रक्सौल के जो भाई का प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज यहाँ पर दो है तो उस पर भी ध्यान दीजिए रेगुलर। हेलो फैमिली, तो अभी हम बाटा चौक पे हैं जहाँ पर आपको सरकारी वहाँ बाटा चौक लिखा हुआ है, तो ये बाटा चौक पे हैं जहाँ पर आपको सरकारी और प्राइवेट बस मोतिहारी के लिए और पटना के लिए बेतिया के लिए मिलता है, और बाटा चौक पे आपको यहाँ नेपाल वीरगंज के लिए भी ऑटो ई रिक्शा वगैरह मिलता है, और लोगों ने बताया कि बस स्टैंड का कुछ समस्या है, यहाँ पर प्रॉपर जो है बस स्टैंड नहीं बना हुआ है, यहाँ से बस पकड़ना पड़ता है लोगों को। चलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं क्या क्या समस्या लोगों को आ रही है। क्या बताना चाहेंगे भैया आप स्टैंड के बारे में? क्या बताना चाहेंगे, सरकारी स्टैंड है भैया, ये सरकारी स्टैंड है, सरकारी स्टैंड है, बोर्ड लगा हुआ है, उस पर जाकर देखिए, ये सरकारी स्टैंड का जगह सरकारी। ये बैंक रोड चौक है और ये रक्सौल का मशहूर मतलब नामी मार्केट है, नामी, बहुत ही खूबसूरत। और ये रहा सब्जी बाजार, ये रक्सौल का सब्जी बाजार है, यहाँ पर आपको सब्जी, आलू, प्याज, सब्जी, टमाटर और दाल, चावल, चीनी सब मिल जाएगा। तो ये था रक्सौल का सब्जी बाजार, ये रक्सौल थाना हुआ और ये जो गुंबद देख रहे हो ये हुआ जामा मस्जिद, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर मस्जिद है रक्सौल का। फैमिली, तो ये जो आप देख रहे हैं ये रक्सौल का जामा मस्जिद है, जो बहुत ही फेमस मस्जिद है, और यहाँ मरकज भी होता है। मरकज कब होता है? जुमरात का जुमरात। हाँ, जुमरात के दिन, जुमरात का जुमरात यहाँ मरकज होता है, क्या होता है ये कह रहा था, मरकज भी इसी में होता है, मरकज किस दिन होता है? जुमरात को, जुमरात को होता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, दिखा दीजिए जनता को। ये रक्सौल का फेमस मंदिर है, रक्सौल का फेमस मंदिर है सूर्य मंदिर, जो बहुत ही प्रख्यात है, अंदर जो है दुर्गा माता जी हैं, और इन लोगों से आप पता करते हैं भैया, ये मंदिर बहुत फेमस है। कितना बजे खुलता है ये मंदिर? 24 घंटा खुला रहता है? नहीं, सुबह में खुलता है। कितने बजे सुबह में खुलता है? 4 बजे सुबह में खुलता है, और रात को फिर बंद हो जाता होगा, 9 बजे बंद हो जाता है। तो आप जब भी रक्सौल आए तो इस मंदिर में आए दर्शन के लिए, और उधर मस्जिद भी है एक जामा मस्जिद, तो इधर दिखाइए ना, उधर मस्जिद भी है अरे भाई आप इधर दिखाइए, उधर मस्जिद भी है जामा मस्जिद, जो बहुत फेमस है, वहाँ पर मरकज भी होता है। तो अभी हम आ गए हैं बनारसी पान दुकान, जो रक्सौल में है और यहाँ का बहुत ही फेमस है, सांसद विधायक सब यहाँ पर आके पान खाते हैं। चलते हम भी मीठा पान खाते हैं और पूछते हैं यहाँ के बारे में। भैया थोड़ा मीठा पान खिलाइए, गुलकंद दे दीजिएगा, कसैली दे दीजिए, कसैली मत दीजिएगा, गुलकंद, और मीठा में जो होता है कत्था मत दीजिएगा, ठीक है, कत्था नहीं दीजिएगा। हम पान के बारे में आपको बताए थे कैसे खाना है, गुलकंद, इलायची, लौंग, पूरा चूना, कत्था नहीं मिलाना है, जर्दा नहीं मिलाना, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और भाईजान यहाँ के रक्सौल के बारे में आप क्या बताइएगा? रोड की कमी है, रोड की कमी है,
सरकार थोड़ा रोड पे ध्यान दे दीजिए, बहुत धूल उठता है और यहाँ बहुत ही मतलब रोड बहुत खराब है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। रोड ही पे आधा दुकान है, और जब भी रक्सौल आइए तो बनारसी दुकान में आइए और चाचा का पान जरूर खाइए। ये पान बन रहा है, देखिए चाचा पान बना रहे हैं। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, अछोरा गंगा किनारे वाला। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटा को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और रक्सौल से हैं तो आए यहाँ पान खाएं। ये पान हो गया, बहुत उम्दा पान है चाचा का, तो आप लोग जब भी रक्सौल आओ, रक्सौल में हो तो ट्राई करो। और अब हम लोग चल रहे हैं मार्केट, रक्सौल मार्केट। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर दो तीन समस्या हैं, एक तो सड़क का हो गया और दूसरा ये जाम का समस्या हो गया और शिक्षा का समस्या हो गया। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्त, जो आप यहाँ पर हाई स्कूल देख रहे हो, तो पूरे रक्सौल में सिर्फ एक यही हाई स्कूल है, गवर्नमेंट का बस वही है। और ये रहा होटल, यहाँ का फेमस। और ये जो आप सड़क देख रहे हो, रोड देख रहे हो, मतलब बस से बदतर, एकदम वाहियात कचरा, एकदम धूल, खराब रोड है। मतलब मेरा पूरा कपड़ा, मेरा चेहरा, मेरा बाल, हर चीज़ ख़राब हो गया था। और दूसरा जाम, 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 हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, इतना जाम कहीं लगता है? प्रशासन थोड़ा जाम को हटाता और सड़क पे थोड़ा ध्यान दिया जाता, इसको सड़क को थोड़ा अच्छा बनाया जाता, और हम लोग का ये ख़त्म सफ़र, नगर परिषद रक्सौल सीमा समाप्त, पुनः पधारे। थैंक यू रक्सौल, लव यू। हेलो फैमिली, तो मैं आपको रक्सौल घुमा दिया और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और रक्सौल बहुत ही अच्छा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, सड़क का प्रॉब्लम है, तो उसको सरकार को कमेंट करके बताओ कि आप रक्सौल से किस जगह पे हो, और अपने दोस्तों को शेयर करो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और ये बताओ कि मैं वीडियो किस टाइम अपलोड करूँ। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, सुबह में करूँ, शाम में करूँ या रात में करूँ? मेरे ख्याल से रात सही है, क्योंकि रात में सब कोई फ्री रहता है। और क्या, और सब बढ़िया, रक्सौल बढ़िया है। और जब भी आइए रक्सौल में तो बनारसी पान दुकान में जाइए, पान खाइए, बहुत मशहूर पान है। और रक्सौल बहुत ही बढ़िया है, देखिए जो जहाँ का रहता है उसको वो जगह बहुत अच्छा लगता है। मैं चंपारण का हूँ, मुझे चंपारण अच्छा लगता है, आप रक्सौल के हो, आपको रक्सौल अच्छा लगता है, तो हर किसी को अपना अपना जगह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है, तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ सरकार को थोड़ा रोड पर ध्यान देना पड़ेगा, गर्दा बहुत उड़ रहा है, रोड बहुत ही गंदा है, गड्ढा है, सड़क को थोड़ा और बढ़िया ढंग से बना दे तो और बढ़िया होगा। धन्यवाद।